हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आप लोगों के लिए कुलचे और छोले की रेसिपी लाए हैं। कुलचे बनाएंगे और जो छोले बनाएंगे वो बिल्कुल ऑयल फ्री होगा, बहुत कम ऑयल में बनाएंगे और बहुत टेस्टी बनाएंगे। कोई भी मसाला कुछ भी पीसने की ज़रूरत नहीं है, कोई टमाटो प्यूरी नहीं, सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 500 ग्राम छोले ले लिया है, इसको हमको भिगो देना है और भिगोने के बाद रात भर के लिए रख देंगे भिगो के, तो ये अच्छे से फूल जाएगा। तो सुबह हम जब इसको खोल के देखेंगे कि सॉफ्ट हो गया है कि नहीं, तो देखिए छोले हमारा एकदम फूल के तैयार हो गया है। अब इसमें हम जो है थोड़ा पानी ऐड कर देंगे और सिर्फ नमक डालेंगे। आज यहाँ चाय पत्ती वगैरह की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज ये कढ़ाई में हम लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे। चलिए जब तक छोले उबलता है तब तक हम कुलचे का आटा लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है मैदा, अगर आप चाहें तो मैदे की जगह पे आटा ले सकते हैं। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा एक चम्मच हमने नमक डाल दिया है और एक ही चम्मच हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है शुगर पाउडर, चीनी, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद में हम थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे, जब ये मिक्स हो जाएगा तो कसूरी मेथी डालेंगे एक चम्मच। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पे कलौंजी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा कसूरी मेथी डाला है, इससे कुलचे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। और आप सब लोग जानते हैं कि भटूरे से ज़्यादा हेल्दी कुलचे होता है, क्योंकि हम इसको जो है फ्राई नहीं करते हैं। अब यहाँ पे दो चम्मच दही डाल देंगे और आधा कप दूध, इसी में हम अपने आटे को लगा लेंगे। अगर अब ज़रूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा दूध के साथ में, जैसे आपको लगेगा दूध कम है, दूध इतना ही यूज करना है आपको। ये 500 ग्राम मैदा है, 500 ग्राम मैदे में हम इतना आटा लगा रहे हैं। और उसके बाद हम पानी ऐड करेंगे इसमें, जितना अगर ज़रूरत होगी तो पानी ऐड करके एक स्मूथ सा हम डो तैयार कर लेंगे इसका। अच्छे से आपको मैदे के जो है गूंदना है, जो ये डो है हमारा कुलचे का, उसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेना है। बहुत ज़्यादा कड़ा मत रखिएगा, क्योंकि जब आप कड़ा रखेंगे तो आपका जो है कुलचे का जो ये डो है उसको जो है रेडी होने में बहुत टाइम लगेगा, 3 से 4 घंटे लगेगा। अगर आप सॉफ्ट रखेंगे तो आपका आधे घंटे में डो तैयार हो जाएगा बिल्कुल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डो हमारा एकदम से तैयार हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं इसके ऊपर और एक बार इसको चिकना कर देना है हमको। और चिकना करने के बाद में एक बाउल में इसको रख लेना है। देख लीजिए बिल्कुल इसी तरीके से डो हमको चाहिए, सॉफ्ट सॉफ्ट। और उसके बाद इस बाउल को हम एक पॉलीथीन रैप ले लेते हैं, उससे हम इसको जो है रैप करके साइड में रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। 30 मिनट में बिल्कुल आपका डो ये फूल के तैयार हो जाएगा कुलचे बनाने के लिए। तो इसको हम निकाल देते हैं और इस डो को रखते हैं साइड में। और चलिए तब तक हमारा जो है छोले भी उबल गया है। डो हमने साइड में रख दिया है, छोले अपना खोल के चेक कर लेते हैं। प्रेशर इसका ठंडा हो गया है और ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है छोले। अब चलते हैं छोले बनाने की तैयारी। एक कढ़ाई हमने ले लिया है, यहाँ पे हमने डाला है 2 चम्मच मक्खन, आज हम ऑयल नहीं यूज करेंगे। और उसी मक्खन में 1 चम्मच जीरा और हींग डाल दिया है, थोड़े से अदरक के जूलियन हमने कट कर लिए थे वो डाल दिया है, प्याज डाल दिया है। यहाँ पे आप चाहें तो प्याज और लहसुन स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक चॉप करके थोड़ी मोटी मोटी डाल दिया है। थोड़ा सा हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है फ्रेंड्स। अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट एक बार भून जाएगा, बहुत ज़्यादा हमको ब्राउन नहीं करना है इसको। सब कुछ ऐसे ही बहुत जल्दी 10 मिनट में आपका छोले बनके एकदम तैयार हो जाता है। फटाफट से आप ये डिश बना के खा पाएंगे और एकदम हेल्दी तरीके से बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हींग जरूर आप डाल दीजिएगा, उससे जो है आपका छोले डाइजेस्ट होने में बहुत आसानी होती है। अब जैसे थोड़ी सी प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट होने लगी है, उसी में हमने ऐड कर दिया है 2 टमाटर बारीक चॉप किए हुए। अब इन टमाटरों को भी अच्छे से हमें भून लेना है, उसके बाद इसमें हमें ऐड करना है मसाले। तो सबसे पहले हम नमक स्वाद के अनुसार यहाँ पे ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि हमने नमक छोले उबलते समय भी डाला है। और थोड़ा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 2 चम्मच, धनिया पाउडर। और यहाँ पे जो है थोड़ा सा 1 चम्मच हमने कश्मीरी मिर्च डाल दिया है। कश्मीरी मिर्च आप चाहें तो डालें, क्योंकि हम लोहे की कढ़ाई में ये छोले बना रहे हैं तो छोले का कलर हमें थोड़ा डार्क मतलब चाहिए ऐसे ही। कोई हम यहाँ चाय पत्ती का पानी वगैरह नहीं यूज कर रहे हैं। 1 चम्मच छोले मसाला और 1/2 चम्मच गरम मसाला, बस इतना मसाला हमको जो है ऐड करना है इसमें। अब देखिए इसको हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही ये मसाला भून के तैयार होता है फ्रेंड्स, वैसे ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच जो है अमचूर पाउडर,
और थोड़ा सा हमने इमली का पानी 2 चम्मच ऐड किया है, क्योंकि इसमें हम अनार का दाना वगैरह कुछ भी नहीं ऐड कर रहे हैं। मसाला हमारा एकदम रेडी है। अब जो हमारा भुना हुआ उबला हुआ छोले था उसको हम इसी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। मसाला भून के तैयार हो गया था, बहुत इससे ज़्यादा हमको भूनना नहीं है। अब इस छोले को या तो आप पहले ही मैश कर लीजिए, लेकिन मैं इसी कढ़ाई में मैश करके इसको पका लूँगी। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस छोले का, एक बार आप बनाओगे तो सबको बहुत पसंद आएगा। कुलचे के साथ में तो बिल्कुल बेस्ट होता है ये छोले, बहुत टेस्टी लगता है। कोई झंझट नहीं है ज़्यादा कि हमें चाय पत्ती का पानी डालना है, ग्रेवी बनाना है, टमाटर प्यूरी बनाना है, कुछ भी नहीं बनाना है। आप फटाफट से बस इसको एक उबाल आने दीजिए और इस छोले को मैं इसी कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा करके मैश कर देती हूँ इसी करछी से। और देखिए मैश कर दिया है मैंने, बस इसको पकने की देर है। अब ये पकने लगा है, अब हमें एक बार इसको चला देना है। चलाने के बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई। और इस कढ़ाई में फ्रेंड्स अब इस छोले को नहीं रखेंगे, क्यों नहीं तो और ज़्यादा काला हो जाएगा। कोई ये छोले देख के बता सकता है कि इसमें चाय पत्ती का पानी और ऐसा कुछ नहीं पड़ा है? बहुत टेस्टी छोले है फ्रेंड्स, ये एकदम लग रहा है कि हम ठेले का छोले खा रहे हैं। ठेले के छोले का बिल्कुल टेस्ट आता है इसमें। अब ये छोले हम निकालेंगे, दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे, वरना ये बहुत ज़्यादा काला पड़ जाएगा, बिल्कुल काला काला हो जाएगा। तो इस तरीके से छोले अगर आपको रखना है तो आप ये छोले चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। चलिए छोले हमने निकाल के खाली कर लिया है, कढ़ाई हटा दिया है। अब एक बार आटा चेक कर लेते हैं अपना। आटा हमारा देखिए फूल गया है बिल्कुल। अब इसमें हमें थोड़ा सा ऑयल ऊपर से जो है लगा देना है और उसके बाद आटे को निकाल लेना है। देखिए कितना बढ़िया फूल के आया है आटा, बहुत अच्छा फ्लफी हो गया है, बिल्कुल कुलचे बनाने के लिए तैयार हो गया है आटा ये। इस आटे को फूलने में 30 मिनट लग गए हैं टोटल, मैंने 30 मिनट के बाद आटा चेक किया है। थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते हुए इसके ऊपर एक बार मुझे इसको मसल लेना है और उसके बाद हम अपना कुलचे बनाएंगे। कुलचे ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से आपके आटे का डो होना चाहिए कि आप अगर जो है उसको ऐसे हाथों से प्रेस करें तो ऐसी लेयर बन के आनी चाहिए उस पर। तो हमारा डो एकदम रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी। अब कुलचे अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो ऐसे ही हाथों से ही बढ़ा के बना सकते हैं। बहुत लोग तो तावे पर भी पानी लगा के बढ़ा लेते हैं, लेकिन मैं अभी एक कुलचे आपको रोल करके दिखाऊंगी, बेलन से बना के दिखाऊंगी। थोड़ी सी कलौंजी इस पे लगा लीजिए, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, ये हमारे घर में सबको पसंद है इसलिए मैं लगाती हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो प्लेन कुलचे भी बना सकते हैं क्योंकि हमने कसूरी मेथी इसमें ऐड किया है। और बस इसी तरीके से हमको, अगर आप हाथों से नहीं बना पा रहे हैं, अगर आपका डो अच्छा है तो आप हाथों से भी बना पाएंगे। बड़े बड़े अगर आपको कुलचे बनाने हैं मेरे जैसे तो इस तरीके से बेलन से बेल के बना लीजिए। हमारे घर में क्योंकि फैमिली बड़ी है फ्रेंड्स तो हमको बहुत टाइम लगता है बनाने में। अब सब लोग खाने बैठते हैं तो टाइम लगता है। देखिए फ्रेंड्स तावा एकदम गर्म हो गया है यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आपको तावे पर पानी छिड़क देना है और उसके बाद उस पर अपना कुलचे लगा देना है। फिर थोड़ा पानी ऊपर से भी आप कुलचे पे स्प्रेड कर दीजिए और एक लिड लगा दीजिए उस पर। 2 मिनट बाद आप देखेंगे तो इस तरीके से आपका कुलचे फोल्ड कर आएगा और तावा पलट कर आपको अपने कुलचे को सेंक लेना है। उसके बाद आप कुलचे में जो है बटर लगाइए और सर्व कीजिएगा। देखिए कितना बढ़िया देखिए फूल के आया है कुलचे, बिल्कुल तैयार हुआ है। इसको कोई देख के बता नहीं सकता है कि आपने ये कुलचे बाहर से नहीं मंगवाए हैं। देखिए बहुत ज़्यादा आपको पीछे से जलाना भी नहीं है क्योंकि ये पीछे से बिल्कुल पक चुका है, हो गया है। बस अब इसी तरीके से हम निकालेंगे एक कुलचा, हम आपको हाथ से बनाकर दिखाएंगे। ये देखिए इसी तरीके से हाथों से दबाते हुए, हाथ से जल्दी हो जाता है फ्रेंड्स। मैं हाथ से बनाती हूँ, मैं आपको बताऊँ हाथों से मुझे बहुत आसान लगता है, बेलन वगैरह यूज करने का मन नहीं करता है। बस कुलचे को आप इसी तरीके से हाथों से बढ़ा लीजिए और तावे पे पानी लगाइए, हर कोई बना सकता है, बहुत आसान है। इतनी आसान सी रेसिपी है, फिर क्यों बाहर से मंगवाना। आप बनाइए, इंजॉय कीजिए, बहुत टेस्टी लगेगा आपको छोले के साथ। फिर पानी तावे पर छिड़क देंगे और अपने इस कुलचे को जो है हम इस पे डाल देंगे। फिर हमें उसी जिस तरीके से हमने वो सेका था, थोड़ा पानी कुलचे के ऊपर लगाएंगे। इससे क्या होता है कि जल्दी तावे पे कुलचे जो है चिपकता नहीं है, बहुत जल्दी जो है हो जाता है। तो दूसरे तरीके से देखिए एकदम ये रेडी हो गया है सिक्के, और इसको भी हमने सेक के तैयार कर लिया है। इसी तरीके से सारे कुलचे तैयार हो गए हैं।
अब हम चल लेंगे प्लेटिंग करने के लिए। अगर आपको आज की रेसिपी हमारी अच्छी लग जाए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा ज़रूर। देखिए फ्रेंड्स, छोले कितना टेस्टी लग रहा है ना, और इस छोले के साथ में इस कुलचे का जो कॉम्बिनेशन है बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स। एक बार आप ज़रूर बना के खाइए और सबको बहुत पसंद आएगा आपके घर में। और बिल्कुल भी तेल नहीं दिख रहा है ना आपको छोले में, और इतना टेस्टी। थोड़ी सी धनिया डालिए छोले के ऊपर और लीजिए हमारा गर्मा गर्म कुलचे और छोले। साथ में हमने थोड़े से खीरा और नींबू भी कट के रख दिए हैं, कट करके। अगर आप चाहें तो प्याज भी ले सकते हैं। तो आज का डिनर हमारा कंप्लीट है, और आप बताइए कि आपको कैसा लगा। आपका इसी तरीके से हम आपके लिए एक से एक बढ़कर रेसिपी लाएंगे। फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।